أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. السلام عليكم، شروع کرتے ہیں ڈسکشن. سپرنگ 2023 کا سوال دیکھتے ہیں. کل ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی ریگارڈنگ بزنس رسک اور آڈٹ رسک، اور کیسے ہم نے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا، کیسے نکالنا. اب آپ دیکھیں گے کہ آئی کیپ کے جتنے بھی سوال ہیں اس میں موسٹلی اب وہ چیزوں کو ریپیٹ کریں. آئی ووڈ لائک کہ آپ ایک دفعہ یہ کوشچن ریڈ کریں، اور جیسے کل آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی ریڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، جتنی اچھی ریڈنگ ہوگی اتنا اچھے طریقے سے آپ اس کو ریپروڈیوس کر پائیں گے. اسپرنگ 2023 کا سوال تسلی سے ریڈ کریں، اور اپنے پاس دماغ میں کچھ پوائنٹس کو اکٹھا کریں. شابش شابش، ریڈنگ از ویری مچ نیسسری ٹو سالو دیز کوشچنز. جی، لیٹس ریڈ. یور فرم از دا اسٹیچوٹری آڈیٹر آف اسٹور لمیٹڈ، جو کہ ایک لسٹڈ کمپنی ہے. تو اس میں لسٹڈ کمپنی ہونا یعنی کہ اس میں اب انوالو شیئر ہولڈرز ہوں گے، ہمیں اس کا پتا ہونا چاہیے. ایئر اینڈ ہے 31 دسمبر 2022. کمپنی فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کی سیل پرچیز میں. ان ریسنٹ ٹائمز دا ایف ایم سی جی سیکٹر ہیز ایکسپیرینسڈ سگنیفیکنٹ گروتھ. اب وہ پورے سیکٹر کی بات کر رہا ہے، اس کمپنی کی بات نہیں کر رہا، پورے سیکٹر کی بات کر رہا ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ گروتھ دیکھنے کو ملا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے نیو پلیئرز مارکیٹ میں انٹر ہو گئے ہیں. اب اگین نیو پلیئرز مارکیٹ میں انٹر ہو رہے ہیں، یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہے کہ اور جب بات ایف ایم سی جی گڈس کی آتی ہے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ایسے گڈس ہیں جو کہ کنزیومیبلز ہیں اور ان کی شیلف لائف کم ہوتی ہے. اینٹرنگ دا مارکیٹ اینڈ اسٹیبلشڈ کمپنیز ایکسپینڈنگ دیئر آپریشنز.
जो मौजूदा कंपनीज हैं वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर रही हैं और न्यू प्लेयर्स भी मार्केट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा डेवलप हो गया। एएल हैज कंसिस्टेंटली एंडरवर्ड, अब देखिए आईकेएफ की अंग्रेजी मुश्किल से अंग्रेजी वो ढूंढ के लेकर आता है, कि वो इवॉल्विंग नीड्स के मुताबिक चलें और वो चेंजेस को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो मार्केट में प्रेफरेंस चेंज हो रही है, चीजें इवॉल्व हो रही हैं, ये भी उसके नीड के मुताबिक अपने आप को चेंज करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इफेक्टिव दिस ईयर एएल हैज कमेंस्ड इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स को वो इंपोर्ट करें दिस ईयर, यानी कि इससे पहले नहीं किया करते थे, अब से उन्होंने इंपोर्ट स्टार्ट किए क्योंकि उन्होंने नई कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाई है। सम ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स हैव अ शॉर्ट शेल्फ लाइफ, यानी कि एक्सपायरी बहुत जल्दी है इनकी, और ये हार्मफुल हो सकती हैं अगर आप उनको एक्सपायरी के बाद इस्तेमाल करें। अगेन रीडिंग इज द की। हाउएवर एएल हैज सक्सेसफुली कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स विद इट्स एक्सेप्शनल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने एक्सपैंड की है अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज, कंपनी ने एक ईआरपी सिस्टम भी लगा लिया है। अब अगेन ईआरपी सिस्टम हमें IS 38 की तरफ मूव करना पड़ेगा ताकि वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ठीक से मैनेज कर सके, इंटीग्रेट कर सके। ये सारे काम उन्होंने फाइनेंस करवाए, यानी कि अपना पैसा नहीं लगाया, लोन लिया है और बोरिंग फैसिलिटीज। अब उसने बोरिंग का वर्ड देख के आपसे बोरिंग कॉस्ट के बारे में भी चीजें पूछ ली। तो ये हमने सवाल रीड किया। सवाल है 12 नंबर का, अब अप्रोच कैसे किया जाए इस सवाल को। आपने आइडेंटिफाई करने हैं बिजनेस रिस्क और आपने आइडेंटिफाई करने हैं ऑडिट रिस्क, और उसी बिजनेस रिस्क के रिलेटेड ही ऑडिट रिस्क होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी रिलेटेड, ये बहुत जरूरी है, अक्सर बच्चे उसको रिलेट नहीं करते। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो मुझे बिजनेस रिस्क यहां पे आइडेंटिफाई हो रहा है वो ये है कि मार्केट में जो कंपटीशन डेवलप हो गया, अब जो चीजें आसान है सामने सामने, हमें सबसे पहले उन पे जोर आजमाई कर लेनी चाहिए। जो फियर्स कंपटीशन मार्केट में शुरू हो गया है, जी जो फियर्स कंपटीशन मार्केट में शुरू हो गया है, इससे मुराद ये है कि जो न्यू प्लेयर्स मार्केट में आएंगे उन्होंने अपनी जगह बनानी होगी। जब जगह बनानी होगी तो वो कम प्राइस लेकर आएंगे। तो एज अ सीईओ देयर इज अ हाई बिजनेस रिस्क के इस वजह से प्राइस वॉर्स होंगी। हम महंगा चार्ज कर रहे होंगे, वो सस्ता चार्ज कर रहे होंगे, कंज्यूमर्स हमें छोड़ के दूसरे के पास जाएंगे प्राइस चेंज ओवर को लेके। अब नए आने वालों की क्वालिटी कैसी है, हमारी क्वालिटी, चूंकि हम काफी टाइम से काम कर रहे हैं और हमने रॉ मटेरियल्स भी अब बाहर से इंपोर्ट किए हैं, हमने अपनी ऑपरेशंस को भी एक्सपेंड किया है, चीजें भी चेंज की हैं, तो डेफिनेटली क्वालिटी वाइज अगर मैं देखूं तो क्वालिटी वाइज तो हम काफी आगे हैं। बट अगर मैं इसको दूसरे एंगल से देखूं, अगर मैं इसको प्राइस के एंगल से देखूं, तो प्राइस वॉर्स डेफिनेटली हमें नजर आएंगी और वो सस्ता चार्ज करेंगे। तो एज अ बिजनेस मेरी प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी, और चूंकि हम एक लिस्टेड कंपनी है, इससे एक और बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई होता है कि जब प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी तो मेरा इन्वेस्टर मेरे साथ नहीं खड़ा होगा, मेरा शेयर होल्डर मेरे साथ नहीं खड़ा होगा। तो सेकंड बिजनेस रिस्क यहां पे क्या आया कि शेयर होल्डर लो प्रॉफिट्स को देख के जा सकता है, अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकाल सकता है। एक और रिस्क जो मुझे नजर आ रहा है बीआर, दैट इज कि हम रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब तकरीबन हर सवाल में आपको ये इंपोर्ट वाली बात भी नजर आएगी, तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है बिजनेस, वो ये कि गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस डाल सकती है कि आपने ये चीजें इंपोर्ट नहीं करनी, या रिस्ट्रिक्शंस डाल के इंपोर्ट मना कर दे, या उसको महंगी कर दे, या रिस्ट्रिक्शंस डाल के इंपोर्ट महंगी कर दे,
या उस पर रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दे। फिर एक और बीआर जो मुझे ये नजर आ रहा है वो है शॉर्ट शेल्फ लाइफ। अब इसकी शेल्फ लाइफ जो कि शॉर्ट है, यानी कि एक्सपायरी जल्दी हो सकती है, तो मुझे सिर्फ उतना ही माल मंगवाना चाहिए या बनाना चाहिए। दोनों केसेस में इंपोर्ट भी उतना माल करवाऊं जो कि मेरा आगे यूज हो जाए, और बनाऊं भी उतना माल जो कि मेरा आगे मार्केट में बिक जाए, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ कम है, एक्सपायरी डेट जल्दी आ सकती है। तो एज अ बिजनेस देर इज अ हाई चांस, एज अ बिजनेस देर इज अ हाई चांस कि मुझे लॉस हो सकता है। मैं पहले सारे बीआर एक साइड पे इकट्ठे कर रहा हूं, क्योंकि बच्चा अक्सर बीआर को निकालने में परेशान होता है, एआर उसको आता है, बीआर को वो निकालने में घबरा रहा होता है। तो मैं बता रहा पहले सारे बीआर एक साइड पे कर रहा हूं। बीआर इज बिजनेस रिस्क। अच्छा, रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लगेंगे, करेंसी का इंपैक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स की कॉस्ट बढ़ सकती है। अगर गलती से ये लोग एक्सपायर्ड रॉ मटेरियल को इस्तेमाल कर लें, अगर गलती से एक्सपायर्ड रॉ मटेरियल को इस्तेमाल कर लें, तो ये कंज्यूमर्स को काफी बुरे तरीके से इंपैक्ट करेगा। फिर इन्होंने बोरोइंग की हुई है। अब बोरोइंग की हुई है तो डेफिनेटली कोई ना कोई इन्होंने कोलेटरल, कोई सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ तो साथ रखवाया होगा, तभी उनको फंड्स मिले होंगे। अच्छा, जब बोरोइंग की है तो एक और रिस्क आ गया, गेयरिंग रेशियो खराब हो जाएगी। गेयरिंग रेशियो क्या होती है? लॉन्ग टर्म डेट ओवर एक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। तो जब मेरा लोन बढ़ेगा तो डेफिनेटली मेरी गेयरिंग रेशियो खराब हो जाएगी। ईआरपी सिस्टम लेकर आए। अब रिस्क ये भी है कि ये ईआरपी सिस्टम सही से इंटीग्रेट होता है या नहीं होता। वो इंटीग्रेट चले सही से हो भी गया, क्या हमारी कंपनी को चलाना आता है? क्या इसको चलाने के लिए मुझे नए लोग रखने पड़ेंगे? उन नए लोगों का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रॉपर भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है, और अगर कंप्लीट हो जाए तो उसका यूजेज क्या हमें करना आता है या नहीं आता। और डेफिनेटली इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी अच्छी खासी कॉस्ट कंपनी बर्दाश्त करेगी, कंसल्टेंसी बर्दाश्त करेगी, इसके लाइसेंस फी बर्दाश्त कर रही होगी, इसकी अपग्रेडेशंस को बर्दाश्त कर रही होगी। तो बहुत ज्यादा इसमें आपको बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अब अगेन, हर बीआर का एक एआर होगा, हर बीआर का एक एआर होगा। इसलिए कहा जाता है कि आपने ये सवाल आखिरी घंटे में करना है। मैं बार बार हर क्लास में इसको बताता हूं कि ये सवाल आपने आखिरी घंटे में डालना। अच्छा जी, अब रिस्क क्या क्या है देखते हैं, उल्टा उसको लेकर आता हूं। ईआरपी की अगर मैं बात करूं तो IAS 38 की कंप्लायंस, अगर मैं ईआरपी की बात करूं तो ऑडिट रिस्क क्या होगा? ऑडिट रिस्क विल बी कंप्लायंस ऑफ IAS 38। क्या सही से उसको इंटेंजिबल रिकॉर्ड किया है या नहीं किया? अगर तो उसकी कैपिटलाइजेशन हो गई है तो क्या उस पर अमोर्टाइजेशन चार्ज कर रही है? अगर नहीं चार्ज कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? करनी है तो कब से करनी है? इम्प्लीमेंटेशन की डेट अवेलेबल नहीं है। तो रिस्क ये है कि या तो उसकी कॉस्ट को सही से कैपिटलाइज नहीं किया होगा, या तो उसकी कॉस्ट को सही से कैपिटलाइज नहीं किया होगा, या इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही इम्प्रॉपर सी हुई होगी। अगर मैं बोरिंग की बात करूं तो आपका दिमाग फौरन से बोरिंग कॉस्ट की तरफ जाना चाहिए, कैपिटलाइजेशन रेट की तरफ जाना चाहिए। अब उसने वर्ड बोरिंग यूज कर दिया है, इट मींस कि अब 38 से बाहर आ जाए और 23 में घुस जाए। रिस्क है कि बोरिंग कॉस्ट को सही से कैपिटलाइज ना किया हो। फिर इसने लोन लिया है तो एक और रिस्क ये होता है कि कभी कभी रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो वो मिक्स नहीं करना है। रेवेन्यू वालों को एक्सपेंस बनाना है, कैपिटल वालों को कैपिटलाइज करना। अच्छा जी, एक और ऑर्डर रिस्क ये भी है कि शायद इसको सही तरीके से बैलेंस शीट में प्रेजेंट ना किया हो। ये जो एक्सपायर्ड हम लोगों ने बात की थी रॉ मटेरियल की, इसके ऊपर अगर आप गलती से एक्सपायर्ड यूज कर लें
और जिससे अगले बंदे को तकलीफ हो या उसकी डेथ हो जाए, तो आपको IS-37 हर वक्त कंप्लायंस करनी पड़ेगी, प्रोविजंस और कंटिजेंट लाइबिलिटीज वाला जो स्टैंडर्ड है। रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश गुड हो, IS-2, लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV। फॉरेन में पेबल्स करने हैं तो IS-21 की कंप्लायंस। तो ऑडिट रिस्क इज मोस्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसलिए कहते हैं कि ऑडिटिंग के पेपर के लिए आपकी अकाउंटिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अदरवाइज आपको मसले आते हैं। मसला ये नहीं होता कि बच्चे को आता नहीं ऑडिट का पेपर, मसला ये होता है कि उसकी अकाउंटिंग बहुत ज्यादा वीक होती है, या तो उसने अकाउंटिंग सिरे से पढ़ी नहीं होती, या पढ़ी होती है उसको भूली होती है, उसको रिवाइज नहीं करता। आईकैप ने भी इसको जब CAF 8 बनाया है, इसका मतलब क्या है कि आपने उसको सीक्वेंस में लेकर आना है। अब बच्चे फनकारियां लगाते हैं, कोई FAR 1 के साथ पिक कर लेगा, कोई FAR 2 के साथ उठा लेगा, तो FAR 2 के साथ उठा लें बहुत अच्छी बात है, आइडियल है कि आप इसको FAR 2 के साथ उठाएं, क्योंकि चाहे एरिया सब्सटेंटिव का हो, चाहे एरिया रिपोर्ट्स का हो, या चाहे एरिया रिस्क का हो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपके हमेशा काम आते हैं। तो जब हम लोग ऑडिट रिस्क निकाल रहे होते हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये है कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर चीजों को वेरीफाई कर लेना, और जब आपने BR निकालना है तो आपने पेस्टल की तरफ जाना है। अब आप खुद मुझे सोच के बताएं, क्या मोस्ट पॉइंट्स Spring 23 के सवाल में रिपीट नहीं हो रहे जो कि हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे? अच्छा जी, ये सवाल देखते हैं। इस सवाल में वो कह रहा है कि आपने सदफ क्या निकालने हैं, ऑडिट रिस्क निकालने हैं, यानी कि BR की तरफ नहीं जाना, और गोइंग कंसर्न के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, गोइंग कंसर्न है। सवाल रीड करें। जी सवाल देखते हैं। आपकी फर्म ऑडिट करने के लिए गई है निंजा फूड लिमिटेड का, ईयर एंड है 30 जून 22। कंपनी इज अ फूड चेन हैविंग रेस्टोरेंट्स लोकेटेड इन ऑल मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, और ये पैन एशियन कुजीन बनाती है। इसके पास जापानीज भी है, थाई भी है, और चाइनीज फूड भी है। ले जाना। सम ऑफ द इंग्रीडियंट्स यूज इन द फूड प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेड। ऑन 31 अगस्त द गवर्नमेंट हैज बैंड इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी फूड आइटम। लो जनाब, 31 अगस्त को बैन हो गया इम्पोर्ट करना, विच इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेड आइटम्स यूज इन द NFL's मोस्ट सेलिंग आइटम। NFL's करंटली हैज स्टॉक ऑफ दीज इम्पोर्टेड आइटम्स, जो कि उसकी अगले महीने की रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर सके। 70% ऑफ द कस्टमर्स पे इन कैश और 30% देते हैं कार्ड्स के अंदर। फर्दर मोर 55% ऑफ द कस्टमर विजिट्स आर ऑन वीकेंड। ऑल कैश कलेक्शन ऑन वीकेंड इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे। NFL follows a policy in which all the expired stock is to be placed in a separate storeroom, which can then be adequately destroyed. In the internal audit report, it has been highlighted that two of the restaurants were not following this policy. During the year end, company का जो profit है वो 30% से गिरा है। क्या ये listed company है? जी, क्योंकि बिजली के बिल बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, डिमांड कम हो गई है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, और रॉ मटेरियल काफी ज्यादा है। अब सब कुछ अगर मैं देखूं गौर से तो बहुत दिल कर रहा है कि मैं इसमें गोइंग कंसर्न हिट कर दूं, मगर सवाल ने खुद कह दिया कि आपने गोइंग कंसर्न पे बात ही नहीं कर दी। इग्नोर द रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न, इसका मतलब है कि कंपनी गोइंग कंसर्न होगी, तभी ये लोग बात नहीं करना चाह रहे। अब देखते हैं क्या क्या मसले हैं। अब अगेन जो बातें रिपीट हो रही हैं, इंपोर्ट, अब अगेन इंपोर्ट का ऑर्डर रिस्क क्या होगा?
foreign exchange gain loss, foreign exchange गेन लॉस, इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। अब जो बातें सीधी सीधी सी हैं वो तो हमें पता चल चुकी है कि इंपोर्ट पे क्या मसला है, फॉरेन एक्सचेंज का गेन लॉस और इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं मजीद देखूं तो हमारे पास लोन्स आ रहे हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ चुका है। अब अगेन ये लोन लिए होंगे तो कोई ना कोई कोलेटरल जमा कराया होगा, तो अगर इन्होंने कोवेनेंट्स को ब्रीच कर दिया तो देर इज अ रिस्क इनको सारा का सारा लोन वापस करना पड़ेगा फॉरन से। इंटरेस्ट की जो वर्किंग है, जो उसकी कैलकुलेशन है, वो शायद सही से ना हुई हो। इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है, रिस्क है कि मैनेजमेंट जो है वो फ्रॉडुलेंट मिसस्टेटमेंट्स कर सकती है, एसेट्स इंपेयर हो सकते हैं। इंपेयरमेंट वाला पॉइंट आईएस 36 देखें, कुछ स्टैंडर्ड्स बहुत ही कॉमन है, 21, 23, 36, 16, 38, ये तो हिट होने ही होने, 37। अब अगेन यहां पे भी फाइन्स और डिटेक्शन वाला पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं, क्योंकि दो रेस्टोरेंट्स में ये चीज फॉलो नहीं की जा रही। ये जो दो रेस्टोरेंट्स हैं, जो हमें रिपोर्ट में नजर आया है कि दो रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां पर ये चीज फॉलो नहीं की जा रही, इसका मतलब है कि वहां पे हमें फाइन पड़ सकता है। तो हमें इसके मुताबिक, अगर हमारा कस्टमर बीमार हो गया, इल हो गया, तो हमें इसके मुताबिक हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें IS 37 की कंप्लायंस साथ साथ करनी चाहिए। इन्वेंट्री वाला पॉइंट यहां पर आ सकता है, क्योंकि आइटम्स पेरिशेबल नेचर की हैं, तो इन्वेंट्री अगेन लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वाला पॉइंट हिट होगा। कैश, अगर आप लोग गौर करें तो एक और मसला भी है, वो कहता है कैश जो है वो हम बाद में जमा करवाते हैं और हमारे पास 2 दिन तक रहता है, तो ऑडिटर्स क्या है, ये कैश चोरी हो सकता है, ये कैश मिस अप्रोप्रिएटली यूज किया जा सकता है। तो अगेन मसले तो बहुत ज्यादा हम लोग निकाल सकते हैं, मगर एग्जाम के अंदर आपने कोशिश करनी है कि अगर ये 10 नंबर का सवाल है तो 6, 7, 8 से ऊपर ना जाएं, क्योंकि जब आप लोग लिखना शुरू करेंगे तो हर रिस्क के अपने अंदर भी गहराई है और ये सवाल टाइम मांगता है, बट अगर इसको आप ज्यादा टाइम देंगे तो ये बाकी सवालों के नंबर्स आपसे छीनेगा। तो ये ऐसा सवाल है जो कि आपको अंधेरे में ले जाएगा और जब आप सॉल्व करके बाहर आएंगे तो आपका काफी टाइम जाया हो चुका होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपने इसको आखिरी घंटे के लिए बचा के रखना है, आखिरी घंटे के अलावा ये सवाल आपने नहीं अटेम्प्ट करना। अब एक सवाल है मेरे पास जो कि ऑटम 23 में आया था, इसमें दो कंपनीज हैं, एक स्पॉटिफाई और एक एक्सलरेट। पहले जरा स्पॉटिफाई को देखते हैं। अब अगेन मैं आपको टाइम दे रहा हूं, स्पॉटिफाई तक रीड करें, यानी कि स्पॉटिफाई यहां तक आप लोगों ने रीड करना है, इसको रीड करें और ढूंढने की कोशिश करें आपको कौन से मिलते हैं बिजनेस रिस्क और कौन से मिलते हैं ऑडिट रिस्क। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जी, सवाल हो गया रीड, स्टार्ट करें, शुरू करते हैं। रुस्तम लिमिटेड कंपनी का नाम है, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर है, और दो प्रोडक्ट्स हैं, एक स्पॉटिफाई है, एक एक्स्ट्रा रेट है। स्पॉटिफाई के बारे में क्या कह रहा है कि स्पॉटिफाई जो है वो एक जर्मन फुटबॉल क्लब के साथ अटैच्ड है और ये पार्टनरशिप एंड होने जा रही है 31 दिसंबर 2022। हमारा ईयर एंड क्या है, 30 जून, यानी कि हमारे ईयर एंड में ही इनका जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वन ऑफ आर एल्स प्रोडक्शन यूनिट रिमेन नॉन ऑपरेशनल। अब हम तो आर एल है, तो कंपनी का यानी कि हमारा एक प्रोडक्शन यूनिट नॉन ऑपरेशनल रहेगा अगले 6 महीनों के लिए। ये बना था 2020 में स्पेसिफिक सिर्फ इनकी डिमांड को मीट करने के लिए, यानी कि इसका कोई और यूज है ही नहीं। जो इन्वेंट्री है मार्केट में, अब वो क्या है कि हमें चीपर बेचनी पड़ेगी क्योंकि काफी ज्यादा इसके डुप्लीकेट्स, इसके काउंटरफेट्स मार्केट में आने शुरू हो गए हैं,
और अब हमें इसको सस्ता करके ही बेचना पड़ेगा, उसी में हमारा फायदा है, अदरवाइज कंपनी लॉस में जाएगी। तो दो मेन बातें हैं, एक प्रोडक्शन प्लांट यानी कि IAS 16, और दूसरा इन्वेंट्री यानी के IAS 2, और 16 के साथ क्या हिट हो जाएगा, 36, यानी कि वो इम्पेयरमेंट की बात करेगा यहां पे, या वो इम्पेयरमेंट की बात कर रहा है, और इसके साथ वो जनाब बात कर रहा है एलोरा कॉस्ट और एनआरवी की। तो अगर मैं इसका ऑडिट रिस्क देखूं, अगर सवाल सिर्फ ऑडिट रिस्क का हो, तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टी प्लांट है उस पे इम्पेयरमेंट, और इम्पेयरमेंट की वर्किंग के लिए हमें पता है कि यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, हाई। इम्पेयरमेंट में इनहेरेंट रिस्क क्या है, हाई। अच्छा, इनहेरेंट रिस्क हाई कब कब होता है, जहां जहां पे हमें ज्यादा जजमेंट्स देखनी पड़े, और दूसरा इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। अभी रिस्क क्या होगा कि कंपनी ने इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया होगा, जिससे ये इन्वेंट्री हाई या ओवर वैल्यू हमें नजर आ रही होगी। और अगर मैं इसका निकालूं बीआर, तो बीआर क्या होगा, बीआर ये हो सकता है कि भाई जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखी होगी वो इन्वेस्टमेंट अब गई, सारा का सारा वर्किंग कैपिटल चला गया, जो जो इन्वेंट्री पड़ी है अब वो जाया, अब मार्केट में सस्ती करके बेचनी पड़ेगी, और अगेन वो फेक सेल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि उनका जो शेयर होल्डर है वो ना भाग जाए। दिस इज बी आर अगेंस्ट ए आर। और अगर मैं अब एक्सेलरेट की बात करूं, तो जरा इसको रीड करें। एक्सेलरेट, इसका क्या इश्यू है जनाब, अगर आपने इससे पहले एक सवाल किया हो जिसमें वो फ्लाइंग इक्विपमेंट्स, ये पैराग्लाइडिंग स्कूबा, तकरीबन इसका रिप ऑफ है, इसी सवाल का स्पूफ है ये सवाल, जिसमें वो फिर से यही रिपीट बातें करेगा। तो जनाब इंजरी हो सकती है, बीआर क्या है, इंजरी किसी भी टाइम हो सकती है, तो IAS 37 की कंप्लायंस देखनी है हमें ऑडिट लिस्ट में। रेवेन्यू फ्लक्चुएट हो सकता है, एक्सचेंज रेट, तो यहां पे IAS 21 की कंप्लायंस, और प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है, और देर इज अ चांस कि कोई टेक ओवर कर सकता है, यानी कि हमारी गोइंग कंसर्न डाउट पे है, तो ऑर्डर रिस्क क्या होगा, गोइंग कंसर्न और उसकी सारी बातें जो कि आपने 570 में कवर की हैं। सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस ऑफ रिस्क। हमने काफी डिटेल से हर सवाल को ही डिस्कस करने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आप अब इसमें चैंपियन बन चुके होंगे। अगर आपको लगता है कि कला सवाल वैसे तो रह नहीं गया, अगर फिर भी आपको कोई सवाल मिलता है तो अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, डन हो गया, अल्लाह हाफिज।